हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस डेजर्ट रेसिपी चुरोस। चुरोस बनाना एकदम आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं चुरोस। जिसके लिए हमने ये एक कप ऑल पर्पज फ्लावर लिया है, 3 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर ली है, 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है, 100 ग्राम हमने बटर लिया है, 3 हम अंडे लेंगे और ये 1 कप हमने इसी कप से मेजर करके वाटर लिया है पानी, और तेल हम लेंगे फ्राई करने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चुरोस। ये फ्रेंड्स, पहले हम ये 1 कप पानी इसमें डाल लेते हैं। पानी को थोड़ा हम बॉईल होने देंगे। हमारा पानी थोड़ा गर्म हो चुका है, अभी ये 100 ग्राम हम बटर इसमें ऐड करेंगे। साथ में ही 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं, और ये 3 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर ली है, ये भी हम इसमें ऐड। सभी चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को उबाल आ चुका है, अभी हम गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और ये जो हमने मैदा लिया है ये थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर लिया है, इसे हम नीचे उतार लेते हैं। अभी हम इसमें अंडे मिक्स करेंगे, एक एक करके इसे मिक्स करना है। पहले हम अंडे को दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, अच्छा है ये चेक करके हम ऐड करते हैं। ये देखिए अभी इसमें ऐड करते हैं। ये हम दूसरा अंडा इसमें डाल लेते हैं, वापिस से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये तीसरा अंडा भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सभी अंडों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे इस तरह से हमने एक प्लास्टिक की थैली को ये नोजल लगा लिया है, इसमें भर लेते हैं। चुरोस को कोट करने के लिए हमने ये 1/4 कप पाउडर शुगर और इसमें 1/4 टीस्पून हमने सिनेमन पाउडर लिया है, ये ऐड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चुरोस को फ्राई कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने इसे डाला था, अभी ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ आपको जिस तरह से चाहिए आप लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़े बड़े ही बना रही हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चुरुस कितने अच्छे बने हैं। मैं अभी इन्हें निकाल लेती हूँ। इनका कलर गोल्डन ब्राउन ही होना चाहिए। ये गोल्डन कलर हमारा आ चुका है। इसे मैं टिश्यू पेपर पर ले लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, अभी जो शुगर में हमने सिनेमन मिला के रखा है, इसमें ये कोट कर लेते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप कीजिए, पर ये नॉर्मली ऐसे ही इसका कोटिंग किया जाता है, इसलिए मैंने भी किया है। बहुत सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं इस तरह से खाना। ये देखिए, अभी मैं सभी को कोटिंग कर लेती हूँ। मैंने ये हाफ कप फ्रेश क्रीम लिया है, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। जब मैं इसमें चॉकलेट ऐड करती हूँ, चॉकलेट मैंने 3/4 कप लिया है। फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट सॉस बनके तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चुरोस की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये मैंने शुगर और सिनेमन से कोट करके लिए हैं, और ये मैंने प्लेन ही रखे हैं। इसके साथ में मैंने 2 डिप लिए हैं, ये एक चॉकलेट सॉस है और दूसरा व्हिप क्रीम है। तो जैसे आपको पसंद है वैसे खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये चुरोस की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।